नमस्कार, यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लीवर लोडेड सेफ्टी वाल्व के बारे में, और यह एक बॉयलर माउंटिंग है। बॉयलर की सेफ्टी और स्टीम जनरेशन की प्रोसेस पर पूरा नियंत्रण करने के लिए बॉयलर की बॉडी पर जो यूनिट लगाई जाती हैं उन्हें बॉयलर माउंटिंग कहते हैं। भारतीय बॉयलर रेगुलेशन के अनुसार सेफ्टी वाल्व भी बॉयलर माउंटिंग के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं लीवर लोडेड सेफ्टी वाल्व के बारे में। लीवर लोडेड सेफ्टी वाल्व का अगर डेड वेट सेफ्टी वाल्व के साथ कंपैरिजन करें तो इसमें लीवर सेफ्टी वाल्व का एक एडवांटेज है, क्योंकि जो डेड वेट सेफ्टी वाल्व है वहाँ पर जो वेट प्रयोग किए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हैवी होते हैं। तो इन वेट्स को लीवर लोडेड सेफ्टी वाल्व में लीवर और स्मॉल वेट से रिप्लेस किया गया है। और सेफ्टी वाल्व का प्रयोग करने का मेन पर्पज़ है जब बॉयलर सेल में स्टीम प्रेशर, ये बॉयलर सेल है अगर हम देखें, ये वाटर ट्यूब बॉयलर है बैबकॉक एंड विलकॉक्स, और ये बॉयलर सेल है, कि जब बॉयलर सेल में स्टीम प्रेशर वर्किंग प्रेशर लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उस समय बॉयलर सेल को एक्सप्लोजन से बचाना होता है। और इसीलिए सेफ्टी वाल्व का प्रयोग बॉयलर में स्टीम का कांस्टेंट सेफ वर्किंग प्रेशर मेंटेन करने के लिए किया जाता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें, जो सेफ्टी वाल्व है वो बॉयलर सेल के स्टीम स्पेस के ऊपर लगा होता है। अब बात करते हैं लीवर सेफ्टी वाल्व की कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो सबसे पहले यह बॉयलर सेल है जिसके दो पोर्शन हैं, नीचे वाले पोर्शन में वाटर होता है और अपर पोर्शन में स्टीम होती है। और लीवर सेफ्टी वाल्व के यहाँ जो फ्लेंज लगा होता है, इस फ्लेंज के साथ ही बॉयलर सेल पे इसको फिक्स करते हैं। उसके बाद यह वाल्व बॉडी होती है जिसकी टॉप साइड पर वाल्व सीट, जिसको VS से रिप्रेजेंट किया गया है, वाल्व सीट फिक्स होती है और वाल्व सीट पर वाल्व रेस्ट करता है जिसको V से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसमें वाल्व और वाल्व सीट दोनों गन मेटल के बने होते हैं। गन मेटल एक मेटल अलॉय है जो ब्रोंज का टाइप है, और US में इसे रेड ब्रास भी कहते हैं। गन मेटल में 88% कॉपर, 10% टिन और तकरीबन 2 से 4% जिंक होती है। तो दोनों का जो मटेरियल है वो सेम होता है ताकि जो रस्टिंग की प्रॉब्लम है उससे बचा जा सके। और यहाँ पे एक स्ट्रट लगा होता है जो वाल्व को थ्रस्ट ट्रांसमिट करता है। और यह एक लीवर है जिसके दो एंड होते हैं, एक एंड पर फलक्रम होता है और दूसरे एंड पर वेट होता है। और लीवर पर एक गाइड की अटैचमेंट भी की जाती है जिससे लीवर को वर्टिकली मूव करने में मदद मिलती है। तो दो डायग्राम हमारे सामने हैं, पहले डायग्राम में सेफ वर्किंग प्रेशर को दर्शाया गया है और दूसरे में जब स्टीम प्रेशर सेफ वर्किंग प्रेशर से ज़्यादा हो उसके बारे में बताया गया है। तो बात करते हैं लीवर सेफ्टी वाल्व के वर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले जब बॉयलर सेल में सेफ वर्किंग प्रेशर होता है, मतलब कि विद इन द लिमिट्स होता है, तो इस कंडीशन में जो वाल्व है वो वाल्व सीट पर रेस्ट करता है। जब तक प्रेशर नॉर्मल लिमिट को एक्सीड ना कर दे तब तक स्ट्रट के द्वारा ट्रांसमिट किए गए थ्रस्ट की वजह से जो वाल्व है वो वाल्व सीट पर रहता है। अब बात करते हैं जब स्टीम प्रेशर सेव वर्किंग प्रेशर को क्रॉस कर जाता है, तो कह सकते हैं कि जो स्टीम प्रेशर है वह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो वाल्व है वो वाल्व सीट से लिफ्ट कर ऊपर उठ जाता है और जो स्टीम वह यहाँ से होती हुई फिर एटमोसफेयर में डिस्चार्ज हो जाती है। तो जब जो एक्स्ट्रा स्टीम थी वो बाहर चली गई है और जो प्रेशर है जब नॉर्मल लिमिट में आ जाता है, तो नॉर्मल लिमिट में आने के बाद जो वाल्व है वो फिर से अपनी वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है और वाल्व सीट पर रेस्ट करता है। वाल्व सीट से तभी लिफ्ट करता है जब स्टीम प्रेशर जो फोर्स है वह स्ट्रट के द्वारा ट्रांसमिट किए गए थ्रस्ट से ज़्यादा हो। ऐसा तभी संभव होता है जब बॉयलर सेल में स्टीम प्रेशर वर्किंग प्रेशर लिमिट को पार कर जाता है और स्ट्रट के द्वारा ट्रांसमिटेड थ्रस्ट को लीवर के इस वेट को कम या ज़्यादा करके घटाया या बढ़ाया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। तो इस प्रकार से लीवर लोडेड सेफ्टी वाल्व
काम करता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और N-Universe 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।